ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। बक्सर के चर्चित मामला ईट भट्टा के संचालक के द्वारा कामगारों के पैसे रखने का मामले का खुलासा हो चुका है। आपको बताते चले कि बक्सर के राजपुर थाना क्षेत्र के डिहरी गांव में संचालित ईट भट्टे पर काम कर रहे कामगारों को ईट भट्टा संचालक द्वारा मजदूरी करवा कर पैसे न देने का मामला काफी क्षेत्र में तुल पकड़ लिया था। बिहार के नालंदा में अलग अलग 7 परिवार के लोग बक्सर के राजपुर थाना क्षेत्र के डिहरी गांव में स्थित ईट भट्टे पर कई महीनों से काम करने के बाद ईट भट्टा संचालक पर मजदूरी न देने का सीधा आरोप लगाए थे, जिसके चलते जिले में मामला तुल पकड़ लिया था, लेकिन सच्चाई के तह तक जाने के मामला कुछ और ही निकला। दरअसल नालंदा के निवासी मजदूरों के लाने वाले उन्हीं के गांव के ठेकेदार उन सारे मजदूरों के मजदूरी के पैसे ईट भट्टा संचालक से ले चुके थे। पत्रकार के पूछे जाने पर ठेकेदार ने कहा कि मैं सारे मजदूर का पैसा गांव जाकर उन्हें लौटा देता, जो कि यह सारा मामला यहीं से तुल पकड़ लिया और मजदूर लोग सीधे ईट भट्टा संचालक पर मजदूरी न देने का आरोप लगा दिए। चिट्ठा के माध्यम से आता है जी जी, और जब हिसाब होता है तो चिट्ठा हिसाब करता है। हाँ। जो भी हिसाब किताब हुआ हम चिट्ठा को टोटल पैसा चुकता कर दिए हैं, बल्कि हमारा ये पैसा चिट्ठा के कुछ निकल रहा है। अच्छा, लेकिन फिर भी इसके बाद भी हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कैसे आरोप लगा, कभियों लगा, कैसे लगा, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब तो ये चिट्ठा साहब भी बता सकते हैं। ये जो मारने पीटने वाली जो बात है कहा, ये सर एकदम गलत बात है। कहीं कोई भट्टे पर किसी तरह से इस तरह का बदमाशी कभी भी नहीं हुआ है। आज 6-7 साल भट्टा चलाते हो गया, हम लोग की तरफ से कहीं कोई ऐसा दिक्कत नहीं। आपका परिचय सर? मेरा नाम सुनील कुमार राय है, मां जानकी उद्योग के प्रोप्राइटर है, ग्राम पुरदेवी थाना जिला बक्सर के निवास। धन्यवाद सर। मान लिया हम घर जाएंगे तो उसको पैसा देंगे, आपके पास पैसा है? गिरान हमारे पास है तो हम भी देंगे, बिल्कुल घर ही का लेबर है, कोई बाहर लेबर। अच्छा, आपको अपहरण किए हैं क्या? ये नहीं, ये सब बात हवा उड़ा देना किसी को। अभी आप कहाँ रह रहे हैं? अभी से भट्टे पर न है। क्या नाम है आपको? मेरा नाम अनिल चौहान। कहाँ के रहने वाले हैं? सेनामा।